नमस्कार, मेरा नाम है राजीव और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। देखिए यहाँ पर ब्रजेश पाठक को लेकर के जो है यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। बता दे कि उत्तर प्रदेश जो है पूरा बाढ़ ग्रसित हो गया, पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई है। योगी आदित्यनाथ लगातार जो है तमाम बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का जो है यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, कई घर जो है इसकी चपेट में आ गए हैं। तो अब इसको लेकर देखिए बस्ती पहुंच कर जो है यहाँ पर ब्रजेश पाठक जो योगी सरकार के डिप्टी CM और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री भी है, उन्होंने जो है अब एक बड़ा बयान दे दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जितने भी लोगों का जो है बाढ़ की चपेट में जितने लोगों का घर आ गया, क्षतिग्रस्त हो गया, उनको नया घर देने का काम जो है उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। जी हाँ, देखिए ये दावा बिल्कुल वैसा ही है जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले किया गया था कि लोगों को फ्री में राशन दिया जाएगा, फ्री में बेटियों की शादी कराई जाएगी और उसके बाद चुनाव खत्म हुए कुछ महीने तक चला, फिर सारी चीजों को बंद कर दिया। लेकिन अपने इस बार ब्रजेश पाठक ने एक बड़ा दावा कर दिया जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से खलबली मच गई है कि तमाम लोगों को जो है नया घर देने की बात कर रहे हैं। शायद उनके आला कमान को भी इस बात की जानकारी नहीं होगी कि बस्ती जिले में इतना बड़ा दावा ब्रजेश पाठक करके जो आए हैं वो उनकी सरकार के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल ना खड़ा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।